सो हाय गाइस, बिग दिस साइड वाचिंग गेट के टीवी की आज की इस वीडियो में बात करेंगे यार ईएससी और गेट के बारे में। आपको थंबनेल में क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस गेट इज बेटर देन ईएससी। ये क्वेश्चन बहुत कोई अराइज भी होता है और बहुत कोई कन्फ्यूजन भी रहता है यार, ये इसका क्या कौन सा एग्जाम देना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो इस वीडियो का यार पूरा देखो यार, इसको गारंटी मैं देता हूँ, इसके बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ईएससी और गेट में कौन सा बहुत अच्छा एक ऑप्शन है आफ्टर बीटेक या ड्यूरिंग द बीटेक प्रिपरेशन करने के लिए। सो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों को कंपेयर थोड़ा सा नॉर्मली करके देखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा ईएससी जो है इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है और हर साल उसका 400-500 वैकेंसीज रहते हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें सारा और जिसमें सिर्फ कोर ब्रांचेस या सिर्फ सिविल मैकेनिकल ईसीई एंड इलेक्ट्रिकल यही चारों पार्ट ले सकते हैं, सीएसआईटी पार्ट नहीं ले सकते हैं। तो इन सबको मिला के यूपीएससी कंडक्ट कराता है इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसको आईईएस ऑफिसर भी बोलते हैं, जो असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में काम करता है उसके बाद बहुत ही एक रेप्यूटेड लेवल में। बट एक और बात यह है कि इस एग्ज़ाम में तो बहुत टफ भी होता है, ये एग्ज़ाम बहुत टफ होता है बिकॉज़ ये यूपीएससी कंडक्ट कराता है। और दूसरी तरफ क्या आता है, गेट बहुत सारे आईआईटीज कंडक्ट कराते हैं, हर साल अलग अलग आईआईटीज कंडक्ट कराते हैं, टॉप आईआईटीज हमारे इंडिया के। और ये एक सिर्फ जॉब पाने के लिए या फिर एमटेक करने के लिए एग्ज़ाम नहीं है, तो बहुत एक वाइड रेंज ऑफ वैरायटी का एक पैकेज है बोला जाए तो। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिससे कि आप बहुत कुछ कर सकते हो और मैं जानता हूँ गारंटी के साथ ये बता सकता हूँ कि 99% स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होगा कि यार गेट से और क्या क्या चीज़ हो सकते हैं, सिर्फ एमटेक और पीएससी बस इतने दूर तक में सब सीमित हो जाते हैं, जबकि ऐसा है नहीं, गेट को इतना छोटा मत बनाओ। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट के बारे में पूरा वाइडली, उसका काउंसलिंग प्रोसेस भी देखेंगे, सो जिससे कि आपको डिसाइड करना ये प्रॉपर हो जाएगा, ये आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि यार क्या करना है, पहले ईएससी या गेट, विच वन इज बेटर, ये आपको आंसर मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट तक। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। और हाँ यार, एक बात बताना भूल गया, और वीडियो शुरू होने के पहले यार प्लीज़ सब्सक्राइब का बेल बटन को प्रेस कर देना, सब्सक्राइब का बटन को प्रेस कर देना, ग्रे कर देना जल्दी से जल्दी। आपको इससे एडुकेशन रिलेटेड कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, लो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स जो कि बहुत आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस वीडियो में इस चैनल में आपको मिलता ही रहेगा, दिन पर दिन मिलता ही रहेगा। सो इससे अपडेट रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना, तो कीप सब्सक्राइब। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देर किए। सबसे पहला बात, गेट एक इतना वराइड एग्ज़ाम है जो कि 23 पेपर कोर्स में आता है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इतने सारे कोर्स में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और टोटल 8 आईआईटीज है जो इसे कंडक्ट कराते हैं। सो गेट का मतलब ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। इससे करके आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा एक बहुत ज़्यादा नेटवर्क जैसा, ये मैंने मेरा हैंडमेड बनाया हुआ एक पीडीएफ है, एक फाइल है जो मैंने अपने हाथ से बनाया है बहुत इन्फॉर्मेशन ग्रैब करके, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रख सकते हैं, उसका प्रिंटआउट निकाल के भी रख सकते हैं, जिससे आपको याद रहेगा कि यार क्या क्या स्ट्रीम्स है, बार बार आपको वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा किसी का और आप इसे याद रख सकते हो, इसलिए मैंने ये बना कर रखा है। इसी से यूज़ करके मैं आगे और इसका डिटेल में भी हर एक पार्ट को टच करके मैं बताऊँगा इसके बारे में हर एक बात। सबसे पहला नंबर पर आते हैं पीएसयू के बारे में। सो पीएसयू जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही सबसे अच्छा बेटर ऑप्शन है आफ्टर द गेट। सो पीएसयू में आपका 3 कैटेगरीज में आता है, एक आता है आपका महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, 3 टाइप्स के कंपनीज में बांटा गया है पीएसयू को और उनका पे स्किल के हिसाब से। तो सबसे पहला बात, जो सबसे हायर लेवल सबसे हाई ग्रेड स्कोर के होते हैं उन लोगों को पीएसयू में रिक्रूट किया जाता है, आपको पता ही होगा, जिसके लिए आपको पीएसयू में इंडिविजुअली अप्लाई करना पड़ेगा आपको ग्रेड स्कोर देखते हुए और उसके इंटरव्यू को फेस करना पड़ेगा, तभी आप उसके लिए जा सकते हो। कुछ आपका नवरत्न और महारत्न और मिनी रत्न कंपनी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसका पे स्केल भी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 80 to 1,20,000 तक जाता है, नॉर्मली आपको 60,000 या 50,000 तक का रेंज से लेके 1,20,000 तक जाता है इसका रेंज। और सबसे बड़ा बात, ये सबसे सिक्योर बिकॉज पीएसयू एक ऐसा कंपनी है, पीएसयू ऐसा कंपनी को बोलते हैं जिसका 50% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास होता है और ये पूरा गवर्नमेंट ओन्ड ही है, आप बोल सकते हैं पूरा पूरी, ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट का प्रॉफिट भी रहता है। और सबसे बड़ा बात, इस पीएससी को पर्क्स इतना बहुत अच्छा मिलता है और बहुत सिक्योर आपका है भी एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइवेट सेक्टर में आप जब जॉब करोगे उससे बेहतर है ये आपका पीएससी। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं हायर स्टडीज़। हायर स्टडीज़ मतलब आईआईटी, एनआईटीज, इसमें एमटेक करना। सो आपको बहुत कुछ पता होगा, सिर्फ एमटेक होता नहीं, हायर स्टडीज़ को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं, एमटेक, एमएस एंड पीएचडी। एमएस पहले नहीं होता था, बस एमएस इंडिया में भी शुरू हो चुका है, मास्टर्स इन साइंस,
तो एम टेक एम एस पी एच डी, इसमें से एम टेक और एम एस और पी एच डी, ये तीनों में बहुत सारा अंतर है। सबसे पहला बात करते हैं एम टेक का। सो एम टेक एक 2 ईयर्स कोर्स रहता है, आपको पता ही होगा, और स्पेशलाइज्ड कोर्स में आपका होता है। आफ्टर टू बी टेक के बाद आपका जो कोर्स है उसका अंदर भी एक स्पेशलाइज्ड कोर्स लेके किया जाता है एम टेक, और इसमें स्टाइपेंड भी आपको मिलता है। स्टाइपेंड तो सब में मिलता है, लेकिन अब गवर्नमेंट के तरफ से क्लियर नहीं है, बिकॉज रिसेंटली स्टाइपेंड हटाने की बात कही गई थी, सो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हुआ नहीं है इसलिए स्टाइपेंड मिलेगा ही। सो इसमें आपको टीचर स्टूडेंट्स में स्टाइपेंड मिलता है, और ये एक मतलब कोर्स ओरिएंटेड प्रोग्राम है जिसमें आपको 1 ईयर में आपको पढ़ना है, और 1 ईयर इसका प्रोजेक्ट में आपका चला जाता है, जिससे कि आपका 2 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है एमटेक। और इसका कैंपसिंग रेट बहुत अच्छा रहता है, बट इसमें हाई गेट स्कोर का जरूरत पड़ता है, क्योंकि अगर आपको आईआईटीज में एडमिशन लेना है तो। उसके बाद करते हैं बात एमएस का। एमएस एक रिसर्च प्रोग्राम है, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम है, जो कि एक मिनी पीएचडी भी आप बोल सकते हैं, बिकॉज एमएस में भी आपका 2 to 3 ईयर्स का कोर्स होता है, बट ये 3 ईयर्स से एक्सटेंड भी कर सकता है अगर आपने इस कोर्स को कम्प्लीट नहीं किया विद इन 3 ईयर्स, क्योंकि इसमें रिसर्च जर्नल्स करना पड़ता है, जर्नल्स पब्लिश करना पड़ता है। अगर आपका जर्नल्स या रिसर्च पेपर कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका एमएस का डिग्री आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये इसीलिए बोल सकते हैं ये टाइम डिपेंडेंट प्रोग्राम नहीं है, ये उससे एक्सपेंड भी हो सकता है, और इसका भी आपका स्टाइपेंड सेम टू सेम बीटेक का ही होता है, सॉरी एमटेक के जैसा ही रहता है, बट इसका कैंपसिंग थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू एमटेक। अब आते हैं पीएचडी प्रोग्राम में। पीएचडी प्रोग्राम मेनली 4 to 5 ईयर्स का होता है, ये भी सेम टू सेम एमएस के तरह आपको इसमें थीसिस करना पड़ता है, जर्नल्स पब्लिश करना पड़ता है। जब तक आपका थीसिस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको इसका डिग्री नहीं मिलता, कुछ आप नया इन्वेंट करके नहीं बताओगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। और इसमें स्टाइपेंड बाकी दोनों के मुकाबले ज़्यादा रहता है, इसमें स्टाइपेंड 20,000 से अबव 25 to 30,000 तक भी जाता है। और इसमें आपको फर्स्ट ईयर तक में तो आपको पढ़ना रहता है थोड़ा सा, और बाकी सारे ईयर्स में आपको रिसर्च करना रहता है, और रिसर्च बेस्ड ही प्रोग्राम रहता है ये, इसमें पढ़ाई कम रिसर्च ज़्यादा रहता है। और ये था आपका पीएचडी का। और इसमें पीएचडी और एमएस ये दोनों में आपको लो गेट स्कोर का जरूरत पड़ता है, और एमटेक में आपको हाई गेट स्कोर का जरूरत पड़ता है। तो अब बात करते हैं यार स्कोर, ये सब इन्फॉर्मेशन तो होगी, आखिर अगर एक स्कोर आ भी गया तो इस पर अप्लाई कैसे करेंगे। सो एमटेक के लिए कोप और सीसीएमटी का काउंसलिंग कराया जाता है। कोप मीन्स कॉमन एडमिशन टेस्ट पोर्टल, जो कि आईआईटीज में आपका एडमिशन के लिए होता है, और सीसीएमटी सेंट्रलाइज काउंसलिंग पोर्टल रहता है, जो एनआईटीज और बाकी सब ट्रिपल आईआईटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है। ये दोनों में आप रजिस्टर करके आप एमटेक के लिए रजिस्टर कर सकते हो। और एमएस और पीएचडी के लिए मेनली इंडिविजुअली अप्लाई करना पड़ता है, पीएचडी के लिए तो खास के लिए इंडिविजुअली अप्लाई करना पड़ता है, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए आप किस लिए पीएचडी करना चाहते हो। तो ये सारा आपका इन्फॉर्मेशन था थ्रू हायर स्टडीज़ की, हायर स्टडीज़ जो कि मेनली आपका अधिकतर कोई का यही सबको को पता रहता है, एमटेक एमएस पीएचडी, एमएस पीएचडी बहुत को नहीं पता रहता, एमटेक पता ही रहता है। तो ये दोनों कोर्स जो मेनली सबको को पता है। अब आते तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हमारा आता है एफपीएम, फेलो मैनेजमेंट, सॉरी फेलो प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट। अब ये क्या है फेलो प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट, बहुत कोई को क्या ये, मैं बोलता हूँ 80% स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होगा ये फेलो प्रोग्राम मैनेजमेंट क्या है। ये आप आईएएम में भी जा सकते हो यूजिंग द गेट स्कोर, आईआईएम किसी को पता ही नहीं होगा, आईआईएम के लिए तो यार कैट देना पड़ता है, गेट से कैसे चले जाएंगे, बहुत कोई को ये कन्फ्यूजन होगा। सो आईआईएम में आप जा सकते हो। ये जो आईआईएम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका डॉक्टरेट प्रोग्राम कराता है, फेलोशिप प्रोग्राम कराता है, जो कि गेट के स्कोर के एप्लीकेबल होता है। इससे आप डॉक्टरेट प्रोग्राम कर सकते हो, और उसका स्टाइपेंड बहुत ही अच्छा है, 20,000 अबव का स्टार्टिंग स्टाइपेंड रहता है, और बहुत के में और भराई भी कर जाता है, अलग अलग आयम्स में अलग अलग स्टाइपेंड मिलता है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। और ये डॉक्टरेट प्रोग्राम है, 5 ईयर्स का प्रोग्राम रहता है, 4 to 5 ईयर्स का प्रोग्राम ही रहता है, आईएएम में होता है, और इसका आईएएम में होगा तो उसका वैल्यू आप जान ही सकते हो, और आईएएम बेस्ट इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट का। और इसमें आपको स्कोर का भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, और ये बहुत ही अफोर्डेबल है, बिकॉज जितना आपको फी लगना है उससे ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो ये आपके लिए जिसके पैसा का प्रॉब्लम है, जिसको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत अच्छा स्ट्रीम है, अगर उनको एनआईटीज आईआईटीज या तो पीएसयूज नहीं मिलता है तो वो फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो ये था आपका तीसरा ऑप्शन। हम चलते हैं अब चौथे ऑप्शन पे। चौथे ऑप्शन पे आता है नीति मुंबई। नीति मुंबई क्या है, ये एमबीए नहीं है, बहुत किसी एमबीए समझते हैं, बट ये एमबीए नहीं है, ये 3 कोर्स कराता है, PGDIE, PGDMM and PGDPM। ये क्या है, PGDIE मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ये अलग अलग मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का टाइप का ये डिग्री होता है, जो कि मैनेजमेंट के कोर्स के लिए होता है। ये MBA नहीं होता है, लेकिन उसके रिगार्डिंग ही होता है,
जो आपका नीति मुंबई कराता है, बट इसके लिए इसका थोड़ा क्राइटेरिया टफ है। जनरल के लिए एक मिनिमम 700 अबव स्कोर आपका गेट होना चाहिए तो ये आप नीति मुंबई में अप्लाई कर पाओगे, और इसका फी भी थोड़ा सा हाई रहता है। बट ये बात है कि इसका कैंपसिंग के बाद इसका कैंपसिंग रेट बहुत ही अच्छा है, अबव 90% अबव है इसका कैंपसिंग, और अच्छे अच्छे कैंपसिंग होते हैं। पुराना अगर देखा जाए तो इसका एवरेज पैकेज 20 लाख तक है, बट अभी इसका और बढ़ गया होगा, एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूँ मैं। सो ये था नीति मुंबई। अब इसके बाद आप और दो है चीज़ जो कि बहुत अलग है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो चार मेन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जो कि सिंगापुर और जर्मनी में आता है। सबसे पहला आता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जो सिंगापुर में है। दूसरा है नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जो भी सिंगापुर में। ये दो यूनिवर्सिटीज़ जो सिंगापुर में है ये टॉप 20 में आते हैं वर्ल्ड के, तो आप समझ सकते हो इसका वैल्यू कितना ज़्यादा होगा पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद आता है टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिच, जो जर्मनी का है, एंड रॉथ एकन यूनिवर्सिटी, जो भी जर्मनी का है। ये दोनों यूनिवर्सिटी बहुत ही एप्लीकेबल, मतलब वैल्यूएबल यूनिवर्सिटी, और ये टॉप आपका 60th and 150th, मीन्स टॉप 150th के अंदर आते हैं पूरे वर्ल्ड में, और ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। फ़ायदा ये है गेट को यूज़ करके आप इसमें स्टाइपेंड ग्रैब कर सकते हो और इसमें आराम से पढ़ भी सकते हो। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको गेट के साथ साथ आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एग्ज़ाम भी देना पड़ सकता है, या तो आप अगर बहुत अच्छे IITs वगैरह से आपने गेट किया है, सॉरी बीटेक किया है, आपकी यूनिवर्सिटी एक वन टायर लेवल यूनिवर्सिटी, वन फर्स्ट लेवल यूनिवर्सिटी है, तो आप वहाँ से रिकमेंडेशन लेटर लिखवा के ले जा सकते हो कि हाँ मैंने जो सारा जो अपना कोर्स किया है वो इंग्लिश में किया है, सो मुझे इंग्लिश का नॉलेज बहुत अच्छा है। और या तो आप TOEFL या IELTS एग्ज़ाम जो होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का, वो उसका सर्टिफिकेट आप दे सकते हो, तो इसके थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा सिंगापुर या जर्मनी में इजीली बाय यूजिंग दी गेट स्कोप। सो ये था फॉरेन यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर, फॉरेन यूनिवर्सिटी का एक ऑप्शन। अब लास्ट आते हैं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्राइवेट कंपनीज। गेट को यूज़ करके आप वेरियस प्राइवेट कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ITC, TCS एंड टाटा पावर, ये बहुत सारे कंपनीज हैं जो गेट के स्कोर को देखकर और इंटरव्यू कंडक्ट कराकर ही लेते हैं। L&T भी है इसमें आता है, इसमें गेट स्कोर एप्लीकेबल है, और बहुत सारे कंपनीज तो अपने गेट स्कोर को मस्ट कर दिया है, गेट स्कोर करके ही आप वहाँ पे कर सकते हो, अप्लीकेबल कर सकते हो। सो ये सब था आपका पूरा पूरी नॉलेज गेट के रिगार्डिंग, कि गेट को आप देकर कितना सारा फील्ड में आप जा सकते हो। टोटल 5 फील्ड्स में मैंने बांटा है, फिर से आप एक बार याद कर लेते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं जो आपको इजी रहेगा। तो सबसे पहला आता है यार आपका PSU, बेस्ट PSU में आप एडमिट कर सकते हो इजीली, आप जा सकते हो, आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा उसके लिए PSU। दूसरा नंबर में आता है हायर स्टडीज़, मतलब आपके MTech, MS, PhD, आप हायर स्टडीज़ में जा सकते हो। तीसरा है आपका फेलो मैनेजमेंट प्रोग्राम FPM, बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, फेलोशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसमें आप जा सकते हो, जो कि IIMs में आप डायरेक्टली जा सकते हो यूजिंग टिकट्स को। उसके बाद आता है नीति मुंबई, जो कि मैनेजमेंट का प्रोग्राम में आप इनरोल कर सकते हो, नीति मुंबई में जाके वहाँ पे भी आप जा सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। और इसके बाद आता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में आप जा सकते हो, जर्मनी और सिंगापुर का, यूजिंग द गेट स्कोर एंड इंग्लिश प्रोफेशनल एग्जाम्स। उसके बाद लास्ट आता है प्राइवेट कंपनीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो यूजिंग द गेट एग्ज़ाम स्कोर। और एक बात बता दो, गेट एग्ज़ाम देने के बाद आपका टीचर असिस्टेंटशिप में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम्स रहता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में। आप बीटेक के बाद डायरेक्टली आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में अप्लाई भी कर सकते हो यार, प्राइवेट में, प्राइवेट कंपनीज में आप ये भी रख सकते हो कि आप इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हो एज अ टीचर, जो आप बीटेक स्टूडेंट्स को या तो नॉर्मल स्टूडेंट्स को आप पढ़ा भी सकते हो, बिकॉज गेट का बहुत अच्छा है एक लेवल होता है, ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, इसका आपको प्रिविलेज भी मिलता है। सो ये था गेट को यूज़ करके आप कितने सारे फील्ड्स में जा सकते हो, मतलब कि एक भंडार है सबका, एक पूरा एक सिंगल एग्ज़ाम गेट, मतलब कि गेट एक ऐसा दरवाज़ा है जिसको आप पास कर दिया, आपने पास कर दिया इसे, तो आप पूरा इतना सारा फील्ड में आप आराम से जा सकते हो बहुत ही अच्छा से। सो ये था एक ओवरऑल नॉलेज गेट के रिगार्डिंग। सो इसको, इस वीडियो को पूरा देख के आप इतना ये समझ जाओ कि इस गेट इज़ बेटर देन ESC, इसका एक आंसर आपको मिल चुका होगा, इस गेट इज़ बेटर देन ESC, बिकॉज आप अगर ESC के लिए प्रिपरेशन करते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत भी करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको लाइन ज़्यादा नहीं मिलता है, एक सिंगल ही लाइन है, वहीं पे जाना है, आपको जॉब करना है। बट थ्रू गेट आप पढ़ सकते हो, जॉब कर सकते हो, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो, बहुत कुछ है यार, ठीक है, इतना कुछ है, तो आप कोई भी मीन्स प्रायोरिटी यहाँ पाने का ज़्यादा, आप थोड़ा सा मेहनत करो तो बहुत कुछ मिल जाएगा। और अगर आपको PSU मिल जाता तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा, बिकॉज इसका पर्क्स अगर आप देखने जाओगे
तो आपको मतलब ऐसा पक्ष कहीं मिलेगा ही नहीं कोई नॉर्मल सरकारी नौकरी में भी, जितना पीएसयू का पक्ष होता है, और जो इसका सैलरी उतना नहीं है लेकिन पक्ष बहुत अच्छा अच्छा रहता है, और जॉब सिक्योरिटी तो रहता ही है। सो ये था कुछ नॉर्मल नॉलेज रिगार्डिंग गेट, बिकॉज बहुत क्यों गेट के बारे में पता नहीं है क्लियरली कि यार ये एग्ज़ाम क्या क्या करा सकता है, ठीक है, इसके बारे में जान लो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज आप जो एग्ज़ाम देने चाहते हो उस एग्ज़ाम के बारे में आपको नॉलेज पूरा पूरी होना ही चाहिए, तभी आप ये एग्ज़ाम को अपने सच्चे मन से दे पाओगे यार, कि आपको कहाँ तक पहुँचना है, आपका ये गोल आपका माइंड में क्लियर होगा तभी आप दे पाओगे। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना आप मेरे चैनल एडगडी वीके के, और शेयर करना ज़्यादा ज़्यादा यार अपने स्टूडेंट ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, बिकॉज इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं होगा। सो कीप वॉचिंग माई रिलेटेड वीडियोज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही गाइस।